हाय गाइस, स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो पे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जो है आप सिंपली अपने ओलेड डिस्प्ले पे एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि कैसे जो है आप एक बिट मैप इमेज जो है अपने ओलेड डिस्प्ले पे डाल सकते हो। तो आज जो है ना, हम लोग एक बिट मैप इमेज नहीं, आज हम लोग दिखाएंगे कि कैसे जो एक एनिमेशन जो है आप प्रिंट कर सकते हैं अपने ओलेड डिस्प्ले पे। आई होप आपको ये वीडियो और ये प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। और अगर आपको वो बिटमैप वाला इमेज देखना है, मतलब वो मैंने बिटमैप कैसे ऐड किया ओलेड पे, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो देखो, जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है ये प्रोजेक्ट के लिए, वो है सबसे पहले एक आर्डुइनो बोर्ड, फिर आपको चाहिए होगा एक 0.96 इंचेस का ओलेड डिस्प्ले। आप कोई भी ओलेड डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो, बस आपको जो है वहाँ पे साइज़ कन्फिगर कर देना है। और साथ में जो है आपको कुछ जम्पर वायर्स चाहिए होगा ताकि जो है आप इसको कनेक्ट कर सको। तो हम लोग जो है अब लैपटॉप के स्क्रीन पे स्विच हो जाता है ताकि जो है मैं आपको अपना प्रोग्रामिंग दिखा सकूँ। लैपटॉप में स्विच होने से पहले एक बार मैं आपको अपना पूरा कनेक्शन दिखा देना चाहता हूँ, मतलब कैसे कनेक्ट करना है इसको। तो ये रहा हमारा ओलेड डिस्प्ले, तो हम लोग एक्चुअली ब्रेडबोर्ड पे इसको कनेक्ट करेंगे। एक मिनट, ये हुआ ब्रेडबोर्ड पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पिंस दिख रहा होगा, GND, VCC, HCL और SDA, ठीक है। तो GND जो होता है ना, वो होता है ग्राउंड पिन, ठीक है। तो ये ग्राउंड पिन जो है वो जाएगा GND पे आर्डुइनो के। फिर उसके बाद आता है आपका VCC पिन, जो कि +5 वोल्ट पे जाएगा, 5 वोल्ट पिन। फिर आपका है SCL पिन जो है A4 पे भी लगा सकते हो, लेकिन आर्डुइनो में जो है SCL पिन एक होता है 13 के आगे, मतलब मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ बोर्ड में आपको दिख रहा होगा आई थिंक। एक मिनट मैं फोकस करता हूँ, फोकस हो जा, हाँ देख सकते हो SCL और SDA दिख रहा होगा। तो इसका भी जो SCL SDA है ना, वो वहीं जाएगा। तो जैसे कि ये वाला वायर जो SCL है, तो ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ SCL से, और ये जो है SDA जो है SDA पिन, वो आपका जाएगा SDA से। तो ऐसे ही करना है आपको कनेक्शन। और नीचे ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप ये पूरा कनेक्शन देख सकते हो। तो चलिए फिर अब हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर स्विच हो जाते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले ना आपको क्रोम खोल लेना अपना क्रोम ब्राउजर। एक मिनट मैं वापस सब दिखाता हूँ आपको। ना सर्च करना है एनिमेटेड आइकन्स, तो जैसे मैं यहाँ सर्च करूँगा एनिमेटेड आइकन्स, ठीक है, तो आपको ये पहला साइट मिलेगा, आप इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद ना आप यहाँ देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट में अलग अलग आइकन्स, तो आप इनमें से कोई एक चूज़ कर लो। तो मैं यहाँ लिंक्डइन का लोगो चूज़ कर लेता हूँ, डाउनलोड गिफ, तो एक मिनट, ये ऑलरेडी एक डाउनलोडेड था तो मैंने एक और कर दिया, तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है ना, यहीं पर आके गिफ मतलब GIF टू फ्रेम्स में लाना, ताकि जो है आप इसको बांट सको। तो स्प्लिट टू GIF आ गया, आपको यहाँ पे अपना फाइल चूज कर लेना है। तो देख सकते हो ये रहा, ओपन कर रहा हूँ मैं, यहाँ से करूँगा मैं अपलोड। तो अपलोड के बाद जो है स्प्लिट टू फ्रेम्स कर लो, ये देख सकते हो अलग अलग आ चुका है। और फिर आपको डाउनलोड फ्रेम्स एज जिप करना है, तो मैं यहाँ डाउनलोड फ्रेम अभी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है डाउनलोड करके रखा है ये सब सारा। देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे आपको इस गिफ्ट का दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। और उससे पहले एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, आप एक ऐसा कर लो ना, एक फोल्डर बना लो अलग से, जिसमें जो है एक साथ जो है आप ये सब रख लो, ताकि आपको अलग अलग ढूंढने में, मतलब अलग अलग जगह, अगर मान लीजिए आपका फाइल रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा ढूंढने में, तो इसीलिए एक जगह रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे यहाँ मैंने एनिमेशन नाम का एक फोल्डर बना के रखा है, जिसमें मैंने सब चीज रखा अपना, तो देख सकते हो ये स्प्लिट होने के बाद ये रहा हम लोग का सारा इमेजेस। तो आप जब एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो आप इसी पे एक्सट्रैक्ट कर लो एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाने के बाद, ठीक है। फिर आपको करना क्या है ना, आपको यहाँ पे एक मिनट सॉरी हाँ, तो यहीं पे आपको एक इरफैन व्यू 64 एक सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ, आप इसको खोल लो। और सिंपली ना कीबोर्ड पे बी प्रेस करो, बी जिसे बॉल होता है वो वाला बी प्रेस कर लो। उसके बाद है ना, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो अपना इमेज एज BMP आउटपुट जो आपका रहेगा। फिर आपको एडवांस सेटिंग में जाना है,
अगर आपका जो भी विड्थ और हाइट है आपके एलसीडी का, ओएलईडी डिस्प्ले का सॉरी, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और बाकी सारा फीचर्स आप देख लो, ये सब सब रहेगा। आपको सिंपली ओके करना है। फिर आपको क्या करना है ना, अपना फाइल ढूंढना है यहाँ से, जैसे पिक्चर से जाएंगे, जैसे मेरा है डेस्कटॉप पे सब चीज़, तो डेस्कटॉप पे मेरा है एनिमेशंस में, एनिमेशंस में देख सकते हो ये था मेरा इमेज, तो ऐड ऑल करोगे, एक मिनट, ऐड ऑल क्या हो गया, एक मिनट, ऐड ऑल, हाँ तो देख सकते हो ये सारा अब ऐड हो चुका है। तो ऐड होने के बाद ना आपको स्टार्ट बैच कर लेना, ठीक है? तो स्टार्ट बैच तो ये है ना, देख सकते हो यहाँ सारा सेव हो चुका है बीएमपी पे, ठीक है? एग्जिट बैच कर देता हूँ, एक मिनट इसको क्लोज कर देता हूँ। देख सकते हो ये सारा जो है यहाँ आ चुका है, ठीक है? तो लेकिन इसके बाद भी है ना, अगर मान लो आप ये 48x48 में हो जाता है, एक्चुअली 64x64 में दिख जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज में मतलब मैंने देखा ही है, जनरली ऐसा हो जाता है ना कि ये वैसा जैसा हम लोग को चाहिए जो साइज में वो नहीं दे पाता है। तो इसे देख सकते हो यहाँ 64x64 है, लेकिन मेरा जो है वो 128x64 का है, तो हम लोग को इसको जो है एडिट करना पड़ेगा। तो आप क्या करना ना, इसको ऐसे लेके यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट पर जाके आप पेंट से जो है रिसाइज कर सकते हो, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देना है, पिक्सल्स में जाके इसको 128 कर देना है, ठीक है? और इसको जो है सेव कर देना है। तो यहाँ पे जो है ये सेव हो जाएगा, ठीक है? मैंने यहाँ ऑलरेडी बना के रखा है, देख सकते हो ये मैंने सबको कन्वर्ट किया। तो ये कन्वर्ट होने के बाद ना आप क्या करो, एक सॉफ्टवेयर है ओलेड एनिमेशन डॉट ई एक्स, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, लिंक नीचे है। तो ये एक्चुअली वोलोस प्रोजेक्ट जो है एक चैनल है, उनके द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है? तो यहाँ से आप क्या करो, अपना एनिमेशन का जो है इमेज को जो आपने bmp.bmp वाला है उसको एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है? सॉरी एक्सपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ देख सकते हो विथ ऑफ द bmp इज 128 लिखा रहा है और हाइट दिया हुआ है 64। तो आपको ना इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है? और आपको ना एक ब्लैंक ओलेड डिस्प्ले का ये डाउनलोड कर लेना है, क्या कहते हैं स्केच, आपको नीचे इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद आपको ये स्पेस दिख रहा होगा, Adafruit SSD1306 डिस्प्ले ओलेड रीसेट के नीचे, आपको उसको डाल लेना है। मैं दिखा देता हूँ क्या चीज़ मैंने किया, ये वाला को जो है कॉपी टू क्लिपबोर्ड जब आप करोगे ना तो ये वाला पार्ट कॉपी हो जाएगा, तो आपको इसको ये डाल लेना है। और वॉइड लूप वाले सेक्शन में ना, वॉइड लूप सेक्शन वाले पे, एक मिनट, वॉइड लूप सेक्शन वाले को ये वाला चीज़ जो आपको कॉपी कर लेना है, तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड करने के बाद ये कर सकते हो। और अगर मान लो ढंग से आपका मतलब जैसा आप सोच रहे हो उस हिसाब से अगर आपका प्रिंट नहीं होता है, तो आप जो है ना यहाँ पे आपको एक्स एक्स और वाई वाई दिख रहा होगा, तो आप ना इससे उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं भी जब पहली बार कर रहा था तो नहीं ले रहा था, तो मैंने इसे थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं एडजस्ट किया, तो ये ले लिया, ठीक है? तो आपको ऐसे ही करना है और अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, और अपना बोर्ड, तो बोर्ड सेलेक्ट के बाद जो है आपको सिंपली जो है अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो मैं एक बार फिर से अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये अपलोडिंग हो रहा है, आई होप ये जल्दी से हो जाए अपलोड। तो ये हो चुका है अब अपलोड, ठीक है? तो यही करना है। और अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर स्केच ये सब सबका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फिर अब हम लोग जो है फाइनल आउटपुट देखने के लिए स्विच हो जाते हैं अपने मेन ये कैमरा रहा पे। हम लोग का फाइनल आउटपुट। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा साइज़ का थोड़ा एरर हो गया, इसीलिए ये ऐसा थोड़ा आधा आधा आ रहा है। आप जो है रिसाइज़ करके अपने साइज़ के मुताबिक आप जैसा साइज़ चाहो वैसा कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 128x64 कर दिया तो ऐसा हो रहा है, आपके वाले में वैसा नहीं होगा। आप जैसा साइज़ रखोगे वो वैसा ही रहेगा। तो ये रहा हम लोग का फाइनल आउटपुट, देख सकते हो ये इनका जो है लोगो ये घूम रहा है। तो आप ऐसा बहुत सारे आइकन्स का कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप इसी का कर सकते हो। आपको जो आइकन पसंद आ रहा है वो ले लो, लेके इस पे प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। टिल देन गुड बाय।